क्राइम वॉच में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सब्जी नाला बंगाली पंचायत पूछने। तो हम आपको आज एक सच से रूबरू करवाएंगे। 2014 में जो है फ्लड आया था, जिसमें ये बंगाली का ये पुल है जो उस फ्लड से बह गया था। उसके बाद आर्मी की ओर से जो है एक ऑर्डनरी पुल लगाया गया था, जिसको 14 के बाद 22 तक जो है 8 साल हो गए वही पुल जो है लगा हुआ है। इस पे जो है किसी भी डिपार्टमेंट का और जिला प्रशासन के झूठे दावे कि इस पुल को इस साल लगाया जाएगा, फिर नेक्स्ट अगले साल लगाया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इस बार कोई इस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे जो ये पूरी पंचायत है यहाँ के लोग परेशान हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि घोड़ा अमरनाथ की जो यात्रा है वो इसी पुल से होकर गुजरती है। तो प्रशासन के दावे थे कि इस बात बहुत बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं, रोडों को ठीक किया गया है, हर तरीके से जो है यात्रा को महफूज रखने के लिए हर प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इसमें कितना सच है कितना झूठ है, यहाँ पंचायत के जो नगाली के जो सरपंच हैं सरदार जगजीत सिंह जी, मैं उनसे जो है पूछूंगा, वो हमें बताएंगे पूरे सच से रूबरू करेंगे। हाँ जी बताएं सर। देखिए ऐसा है कि ये पुल कभी भी नहीं बनना था। यहाँ नगाल साहब इतना बड़ा स्थान है, यहाँ पे जितने भी आर्मी के जनरल पूंछ में आते हैं या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो तो पहले यहाँ नतमस्तक होने के लिए आते हैं, मस्ता टेकने के लिए आते हैं। हमारे मन साहब हैं मनजीत सिंह जी, उनकी मेहरबानी की वजह से हर जनरल को उन्होंने ये कहा कि भाई ये पुल हमारा नहीं है, यहाँ घंटू लग जाते हैं एक नाला पार करने के लिए। स्कूल के बच्चे हैं, कोर्ट के मुलाजम हैं, DCS के मुलाजम हैं, कोई भी और पेशा बिजनेस तबका के लोग हैं, वो घंटू लग जाते थे उनकी अपने आफत में या अपने स्कूल में पहुँचने के लिए। तो ये पुल उनकी मेहरबानी से आर्मी के जनरल साहब 2 बार आए 3 बार आए, उन्होंने ये सेंक्शन दी, कुछ नहीं किया, पुल बन गया। अभी जो ये ग्रीफ ने पुल बनाया है, बिल्कुल उसने धोखाधड़ी की है इस पुल के साथ, हमारे साथ, लोगों के साथ, कि उनको ये पता नहीं कि भाई इनके यहाँ पे लोग जो इनकी कीमती जाने हैं। उन्होंने बिल्कुल गंदी डुंगली नाली का जो मटेरियल गंदा मिट्टी वाला वो यहाँ पे लगाया, बार बार लड़ाई करने के बावजूद भी फिर भी उन्होंने बीच में वो लगाते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में ये फ्लड आया और ये इस तरह के ब्लॉक आए जो बिल्कुल नीचे बैठ गए। अभी जो परसों भी पिछले हफ्ते जो नाला आया, ये जिन्हें पुल ने जाना था, मैं सुबह 6 बजे आया, देखा कितना इस तरह से इन्हें अपना रास्ता बना लिया है। और ये अगर इधर से गुजर गया पानी, ये एक बार आया 2 बार आया, तो ये नीचे जितनी ज़मीनें या जितना मल्ला है पूरा हमारे 200-250 आदमी हैं सिख बरादरी का, वो सारा नीचे नाले में बह जाएगा। तो मैं इतना कहूँगा जिस हिसाब से कि इनसे ये पूछें ग्रिप को कि भाई अभी 2014 के बाद आपको इस पुल की तरफ ध्यान क्यों नहीं आया। हर जगह काम करते हैं, हर जगह दंगे सड़कों को सीमेंट बेचने के लिए कर देते हैं, घड़ियों सीमेंट लोगों को बेच देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे पुल की तरफ कोई ध्यान उन्होंने दिया। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत हमारी ये बारिश होने जो जिनकी वजह से ये हमारी जगह जो है किसी न किसी तरीके से हर बार बच जाती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्तन हमारी हर डिमांड को हाईलाइट किया और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको ये जो रोड है, ये कितनी पॉपुलेशन है इधर, ब्लॉक कितना है, मंडी से पूछ तक ये मतलब तलाई से पहले यही रोड जाती थी, तो इस रोड की तरफ कोई उनका ध्यान नहीं है कि ये रोड की आप हालत देखें, आप ड्रेनेज सिस्टम देखें कि कोई नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। और पुल 2014 का फ्लड आया था तो तब ये पुल हमारा ये पावे दो हमारे बैग में। तो हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि अगर आर्मी ना होती उस वक़्त तो ये हमारा पुल, ये कनेक्टिविटी हमारी जो थी वो कभी, मुझे नहीं लगता कि ये कभी इसका कुछ हो सकता था। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि ये रोड इन्होंने निकाली डेरा निगाली साहब के लिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पुली डाली हुई है, उसके साइड पे आप देखें कि कितना पानी इकट्ठा हुआ है, और इतना पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे कि उसकी तह तक जाना बड़ा हमारा मतलब देखना मुश्किल है कि कितना पानी, यहाँ से मोटरसाइकिल गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ शाम को बच्चे सैर करने के लिए आते हैं, स्कूलों के बच्चे यहाँ से आते हैं, इस रोड से आते जाते हैं, और मतलब तकरीबन नंगाली साहब का जो रास्ता है वो ऊपर वाली रोड छोड़ के यही रास्ता जो है ये परमानेंट चल रहा है। तो इसकी साइड की आप हालत देखेंगे, एक पुली है,
तो वो पुली इतनी ऊंची लगाई हुई है कि वो पानी कितने नीचे है आपने देखा, तो पुली इतनी ऊंची लगाई है कि उससे पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। हमारे कुछ बंदे 10-15 दिन पहले ये PWDIC साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन वगैरह की थी, यही साहब को बोला था, वो बोलते हैं जी आपके पास किधर बादशाह है तो वो ही पैरा करेगा, वहाँ पर ये होगा वो होगा। देखो ये सब मजाक की बातें नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, लोगों के घरों का मसला है। अगर डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट कहती है कि इतना हमारा पैसा यहाँ पे लगा, यहाँ इतने करोड़ रुपया आया, आप बताएं वो इतने करोड़ रुपया जाता कहाँ है। आप देखें अगर किसी जगह कोई क्रेट का कोई सिस्टम है, कोई फ्लड कंट्रोल वाले PWD वाले PMGSY वाले, तो क्या नंगाली साहब के लिए डेरा इतनी बड़ी जगह है इसके लिए कोई क्रेट वगैरह किसी के पास कुछ नहीं है कि वो इसको करें। अगर 10 बार उस पुली के लिए ये लोग जा चुके हैं, पुल के लिए, पुल की ये हालत है कि इतनी हमारी बड़ी कनेक्टिविटी है, हमारी ये इसकी कितना ब्लॉक है, इधर मंडी है, लोरन है, सब्जियाँ है, मतलब यहाँ से DG IG